हेलो व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बर्ड्स पैराडाइज इंफॉर्मेशन और मैं अदील हैदर। जिस तरह से आप लोगों के लिए नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हो, तो इस वीडियो को भी आप एंड तक देखिएगा भाई। हमारा आपको पता है कि हमने जो है ना बिग मास्टर केज कर लिया है, तो अभी चले मैं आपको दिखाता हूँ कि जो है लोग कहते हैं अक्सर परेशान होते हैं यार हमारे वो व्यूअर जिनके पास जगह कम होती है, कम जगह में कोई कॉकटेल रखना चाह रहा है। अब बंदा सोचता है यार कॉकटेल को 2x2 का खाना देंगे, फिर एक बॉक्स लगाएंगे, फ्लैट छोटा है, घर 2 कमरों का है, कैसे रखें, किस तरह से रखें। तो भाई आप लोगों के लिए बहुत आसानी और बहुत इसमें इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। वीडियो को कहीं स्किप मत करिएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई आप जो है 15x15 यानी कि 15 इंच, 15 फीट नहीं, 15 इंच इधर से, 15 इंच इधर से, 15 इंच डीप, इतने से पिंजरे में ऑस्ट्रेलियन की हंडिया में आप ब्रीड करा सकते हैं। एक ब्रीड नहीं, 2 ब्रीड ली है मैंने इसी सीजन में, आए आपको दिखाता हूं मैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो था भाई, ये एक मादा थी, अंडे अनफर्टाइल करती थी, इसके साथ मैंने 2-3 मेल चेंज कर दिए थे, उसके बावजूद भी अंडे अनफर्टाइल कर रही थी। अब लोग कहते हैं यार मेल ना कम से कम 1 साल का होना चाहिए जब जवान होता है, कॉकटेल ब्रीड करता है। मैंने इसके साथ 1.5 साल का मेल भी लगाया, 1 साल का मेल भी लगाया, अंडे फर्टाइल नहीं करे मैंने, लेके इनको टेम मादा थी है, और ये पट्ठा है अभी तकरीबन 7-8 महीने का हुआ है, और ये बजरी पड़ा हुआ है मेरा, सही है ना। मैंने इनको इसमें डाल दिया, ठीक है, मैंने कहा यार इनको छोड़ देता हूँ, पड़े रहेंगे। ऑस्ट्रेलियन की हंडिया लगी हुई थी, इसकी मादा नहीं ला पा रहा था टाइम की कमी की वजह से, तो जो है ना मैंने कहा यार इनको पड़ा रहने देता हूँ ऐसे ही। और इत्तफाकन इसने अंडे दे दिए, तो मैंने कहा यार इसने फिर हीट पे आके अंडे दिए होंगे, सही है। तो अंडे भी पड़े रहे, और एक दिन मैंने देखा 3 बच्चे निकले हैं, लेकिन फिर मेरा जाना हो गया। जब 3 बच्चे निकाले, मेरा करबला जाना हो गया, मैं चला गया, तो 2 बच्चे इसके मर गए, घर वाले ख्याल नहीं रख पाए। तो अभी देखिए आप, एक बच्चा बड़ा हो गया माशाल्लाह से, मेल के कलर का निकला है, सही है, मेल हैंड टेम है, अस्सलाम वालेकुम वगैरह बोलता है, और बेहतरीन जो है ना टॉकिंग है मेल की। फीमेल टेम है, फीमेल नहीं बोलती। तो भाई फीमेल ने ये देखें दूसरी ब्रीड भी कर दी है, ये अभी इसने कितने 2 अंडे दे दिए हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, तो इसने 2 अंडे दे भी दिए अभी ना, सही है दोबारा से। और देखें ये पिंजरा आप देख लें कि इसमें अक्सर जो है एक ऑस्ट्रेलियन का जोड़ा रखा जाता है, मेरे ख्याल 15 इंच ऐसे, 15 इंच ऐसे, और 12 या 15 इंच ऐसे, सही है। आप ऑस्ट्रेलियन की हंडिया में भी आप जो है वो ब्रीड ले सकते हैं। मतलब ये मैंने कहा यार, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर परेशान रहते थे, अदील भाई हमारे पास जगह कम है, मैंने कहा यार फ्रिंच का जोड़ा रखने, नहीं यार फ्रिंच नहीं रखनी है, कॉकटेल ही रखना है। मैंने कहा भाई कॉकटेल तो बड़े खाने में रखना होता है। देखिए केज पैरेट को फ्लाई नहीं चाहिए होती, उसे आप अच्छी गजा दें, अच्छी खुराक दें, सेट रहता है। मैंने इसको ये तकरीबन जो है ना 3-4 महीने हो गए इसी में पड़ा हुआ है, सही है। बच्चा भी माशाल्लाह से बड़ा हो गया इसका, ये देखें आप, अभी भी माँ बाप पे हैंड फीड पे यही है, सही है, बच्चा भी माशाल्लाह से बड़ा हो गया है। तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर को जो है ना इस वीडियो से हेल्प मिलने वाली है। तो भाई जिन जिन लोगों को ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगे, वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो के लिए हमें और हमारे प्यारे प्यारे से कॉकटेल के बेबी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।